सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मार्च मंथ के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य की सरकार मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू करेगी? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार। तो अभी राजस्थान की सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की है। तो इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से राज्य के हर ब्लॉक में खेल स्टेडियम का विकास कार्य होगा और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के युवाओं और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। अभी मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। अभी हरियाणा सरकार ने किसान मित्र योजना भी शुरू की थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की थी, उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मजू वर्गीज को। तो व्हाइट हाउस अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक भवन का नाम है और व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस ये व्हाइट हाउस का ही एक विभाग है जो कि व्हाइट हाउस को मिलिट्री सपोर्ट उपलब्ध कराता है। तो अभी भारतीय अमेरिकी हैं ये मजू वर्गीज, जिनको व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उप सहायक नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है मजू वर्गीस। बाकी लीगिया नोरोन्हा ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और अभी इनको संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। शबनम फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला हैं ये। और भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव, अभी इन्हें टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया था। अच्छा बताइए, विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी हाल ही में ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म ग्रैंट थॉर्नटन के द्वारा विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, तीसरे रैंक मिली है भारत को, जबकि पहले स्थान पे फिलीपींस है, दूसरे स्थान पे साउथ अफ्रीका है और तीसरे पे है भारत। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो, बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में जारी द पेन फ्री माइंड सेट नाम की बुक को किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन। और अनुपम खेर ने अभी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है योर बेस्ट डेज टुडे। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने भी बुक लिखी अभी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और शशि थरूर ने कौन सी बुक लिखी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। बताइए, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो चिनार, ये कहाँ पे शुरू किया? सोपोर में। तो अभी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है और इस रेडियो स्टेशन का नाम रखा है रेडियो चिनार। तो इस पहल का उद्देश्य है स्थानीय युवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना और दूर स्थित रह रहे लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में उन्हें जागरूक करना। अच्छा, वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी नौरीन हसन को किस बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो अभी भारतीय अमेरिकी हैं ये नौरीन हसन, जिनको न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नाम ध्यान रखना भैया। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक समाचार चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने बांग्लादेश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया है और उन ट्रांसजेंडर का नाम है तशरुआ आनंद शिशिर। तो ये आप याद रखना। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में आपको मिलेगा। टका इसकी करेंसी होती है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक दूषित स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 112 स्थल ऐसे हैं जो विषैले और खतरनाक पदार्थों से दूषित हैं
और दूषित स्थलों की सूची में उड़ीसा सबसे ऊपर है, जहाँ ऐसे 23 स्थल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 21 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे नंबर पर है दिल्ली। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 मार्च को। हर साल दुनिया भर में 8 मार्च को ही मनाते हैं हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। और इस बार इसकी थीम क्या रही? वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। अब ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है जो हम 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है जब। और एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है, वो हम मनाते हैं कब? 15 अक्टूबर को। अच्छा बताइए, किस बीमा कंपनी ने बिजनेस किश्त सुरक्षा कवर को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा HDFC एर्गो ने। तो अभी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में बिजनेस किश्त सुरक्षा कवर पेश किया है। ये एक अनूठा कवर है जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वित्तीय संस्थानों यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकों की बैलेंस शीट की रक्षा करना। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके CEO है रितेश कुमार। बताइए, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को। तो अभी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 27वें स्थापना दिवस पर दिया गया और उन्हें ये सम्मान कोरोना वायरस के महामारी के दौरान महामारी विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए दिया गया है। बाकी डॉक्टर शेला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2020 जीता। डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीता और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। बताइए, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा GR चिंतला। तो एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सूचनाओं के आदान प्रदान और संस्थानों के निर्माण का कार्य करता है और अभी GR चिंतला को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बाकी उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव बने, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने और लीगिया नोरोनहा भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये और अभी संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव बनी थी। अच्छा फिर बताइए, अभी किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है और अरुणाचल प्रदेश सरकार की शिक्षा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। उसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश सरकार ये अगले 2 सालों में राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक पहल जिसका नाम है मिशन शिक्षा, इसको भी शुरू करेगी। देखो बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो कैपिटल ईटानगर है, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं BD मिश्रा और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अजय लंबा। इसके अलावा आपको याद होगा भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि वो 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाएगा और जो हमारा भारतीय रेलवे है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा 2023 तक और 2030 तक तो ये ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा से चलने लगेगा पूरी तरह से। फिर बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी 9 मार्च को ही भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। ये मैत्री सेतु का निर्माण भारत में त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाली फेनी नदी पर किया गया है। किस नदी पे? फेनी नदी पे। और इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर, इसकी लागत आई है 133 करोड़ रुपये। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अभी भारत ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ पर बांग्लादेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला में 2 युद्धपोत भेजे हैं जिनके नाम हैं INS कुलिश और गश्ती पोत सुमेधा। और पहली बार किसी भारतीय नौसैनिक जहाज ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का दौरा किया। बताइए, मध्य प्रदेश की एक दिन की गृह मंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा मीनाक्षी वर्मा। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने महिला कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा को एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया है। उन्होंने कहा, नारी का सम्मान जहां है संस्कृति का उत्थान वहां है। तो ये नाम याद रखना। बाकी एवा मुर्तो नाम आपको जरूर याद होगा, एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री जो बनी थी ये। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? सना मारेन। और सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी ये।
और आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनी है, केरल से हैं। अच्छा, भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो आंसर होगा सुरेखा यादव। तो ये महाराष्ट्र की हैं सुरेखा यादव, और ये 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी और इतिहास रचा था इन्होंने। अब ये क्वेश्चन मैं आपको अभी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इनका नाम अभी एक बार फिर से न्यूज़ में आया, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हमने 8 मार्च को मनाया, तो उस दिन मुंबई से लखनऊ के बीच में बुंदेलखंड स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें पूरा स्टाफ यानी कि चाहे ट्रेन के ड्राइवर हों, टीटी हों, गार्ड हों, आरपीएफ का स्टाफ हो, मतलब पूरा का पूरा जो भी स्टाफ है वो केवल महिलाएं ही थी, और उसकी ड्राइवर यही थी सुरेखा यादव। तो देखो, प्रश्न आपके आ सकता है एग्जाम में कि भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी, तो सुरेखा यादव नाम याद रखना, महाराष्ट्र से थी। पूजा यादव जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी, और एम वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी ये, और चैतन्या वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी। फिर है हाल ही में कहाँ गुड़ महोत्सव, या फिर इसे ही कह दीजिए आप जेगिरी महोत्सव, ये मनाया गया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी 6 मार्च को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव, या इसे बोल दीजिए जेगिरी महोत्सव, ये मनाया गया, और इसे मनाने का उद्देश्य क्या रहा, गुड़ उत्पादकों को हाई क्वालिटी वाले गुड़ और उससे बने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए प्रेरित करना, और गुड़ के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना। अभी उत्तराखंड ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी उद्घाटन किया था, बिहार में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया, और केरल में लोक कला उत्सव उत्सवम 2021 का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो गई, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। फिर बताइए, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया, और ये अस्पताल सबसे तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है, जहाँ रोगियों को मुफ्त में सेवाएं दी जाएगी। अभी आपको याद होगा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना था हैदराबाद, और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनेगा कहाँ पे, पटना में, और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुजा में शुरू हुआ था। अच्छा बताइए, जन औषधि दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो हर साल भारत में 7 मार्च को ये जन औषधि दिवस या जेनेरिक मेडिसिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अभी 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के रूप में भी मनाया गया, और इसकी थीम थी सेवा भी रोजगार भी। पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था। फिर बताइए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पे खुला है, तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना के हैदराबाद के गच्ची बोवली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है, और ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया का पहला हेल्प डेस्क है, जहाँ पे किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले दर्ज करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और तमिलिसाई सौंदर राजन यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, तमिलिसाई सौंदर राजन अभी ये कहाँ की गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा कुछ बनी है क्या? अगर बनी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अच्छा बताइए, अभी किसने विमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया, तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हमने 8 मार्च को मनाया, तो उस दिन वुमेन विल नाम से एक नया वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा, ताकि वे गति बढ़ाने वाले कार्यक्रमों जैसे कि व्यावसायिक ट्यूटोरियल और मेंटरशिप की मदद से उद्यमी बन सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। गूगल जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। अच्छा बताइए, अभी अंशुमान सिंह का निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? राजस्थान और गुजरात के ये पूर्व राज्यपाल थे जिनका भी निधन हो गया। और इनके अलावा बता दूं, अभी ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल, इनका भी निधन हो गया है, और इन्हें फील्ड स्पोर्ट्स डिस्कस और शॉटपुट में विशेषज्ञता प्राप्त थी। एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, मुथुट ग्रुप के चेयरमैन थे ये एमजी जॉर्ज मुथुट, इनका भी निधन हो गया है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में बीमा पोर्टल SME इंश्योर नाम से एक बीमा पोर्टल को किसने शुरू किया? आंसर होगा अलायंस इंश्योरेंस ने। तो अभी अलायंस इंश्योरेंस ग्रुप ने MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटी दुकानों और बिजनेस ऑनर्स अलायंस को वित्तीय सुरक्षा फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए बीमा पोर्टल जिसका नाम है SME
इंश्योर को लॉन्च किया है। अलायंस इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, सीईओ इसके SV ठक्कर हैं। अभी आपको याद होगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसने बिजनेस किश्त सुरक्षा कवर को लॉन्च किया था। फिर बताइए अभी किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। ये शतरंज खिलाड़ी हैं, चेस प्लेयर हैं। कहाँ से हैं ये? आंध्र प्रदेश से। और अभी ये BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के दूसरे संस्करण की विजेता बनी है। इनके अलावा मनु भाकर, इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। बाकी स्टीव स्मिथ आप जानते ही, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है और अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता इन्होंने। अजिंक्य रहाणे, जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता रहे। बताइए अभी फरवरी महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन ने। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था, इस बार ICC ने एक नया अवार्ड शुरू किया है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, जिसमें अभी फरवरी मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए R अश्विन को चुना गया, जबकि इंग्लैंड की टेमी बेमोंट को ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। अब ये तो बात हो गई फरवरी मंथ के लिए। जनवरी मंथ के लिए किसे चुना गया था? तो जनवरी मंथ का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था ऋषभ पंत को, और महिलाओं में मिला था साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को। बाकी आप जानते ही हो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, मनु सानी CEO हैं और ग्रेग बार्कले यहाँ के चेयरमैन हैं, जो कि खुद न्यूजीलैंड से हैं। तो ये आप याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो देश के पहले वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन अभी 7 मार्च को उत्तराखंड के कालिका में रानीखेत में किया गया था। यहाँ पे तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव भी पैदा होगा। अभी हमने पढ़ा था भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? दिल्ली में। और तमिलनाडु के सेलम में एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन किया गया। और गुजरात से आपको याद होगा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये गुजरात के भावनगर में खुलेगा। फिर बताइए अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान नाम की बुक के लेखक कौन है? अनंत विजय। पत्रकार लेखक हैं ये अनंत विजय और इन्हीं की बुक है ये अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान। और अभी इस बुक के इंग्लिश ट्रांसलेशन को रिलीज किया गया और इंग्लिश में इसका नाम है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ। तो इस बुक में 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के गढ़ में केंद्रीय स्मृति ईरानी की हार से लेके 2019 में उनकी जीत की यात्रा का वर्णन किया गया है। बाकी कबीर बेदी एक्टर हैं ये, इनकी आत्मकथा आई अभी जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी। विस्मया मोहनलाल ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट नाम की बुक को लिखा। अनिंद्या दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा। अच्छा बताइए हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति नाम से कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। अभी 8 मार्च को जब हमने इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया तो उस मौके पर HDFC बैंक ने बैंक महिला अधिकारियों के द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। तो इस कार्यक्रम के तहत अगले एक साल में HDFC बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी महिला उद्यमियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सलाह देंगी। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अभी विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता था इसने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, याद होगा इसके नए MD CEO बन गए मातम वेंकट राव। वैसे तो RBL बैंक के भी नए MD CEO बने थे विश्ववीर आहूजा। चलो एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ, अभी धन लक्ष्मी बैंक के MD CEO कौन बने थे? तो ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, इसका आंसर क्या है। अच्छा बताइए अभी ग्लेनमार्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। ग्लेनमार्क फार्म ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने प्रोडक्ट कैंडिड पाउडर के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो ग्लेनमार्क के कैंडिड डस्टिंग पाउडर का उपयोग त्वचा की 4 प्रमुख समस्याओं जैसे कि लालिमा, जलन, पसीने के जो चकत्ते हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके उपचार के लिए किया जाता है। सिंपल सा याद रखो आप, तो ग्लेनमार्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन? रोहित शर्मा। वैसे रोहित शर्मा भी काफ़ी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी डॉक्टर ट्रस्ट एक मेडिकल एपरेटस बनाने वाली कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। वेगा मेन के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट के बने। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके बने थे। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने।
2020 में जो 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला उसमें से एक ये भी थे, रोहित शर्मा। बाकी अभी शिल्पा शेट्टी फास्ट एंड अप न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी, दीपिका पादुकोण जानते हो लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी, और राणा दुग्गुवती ये सिएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा बताइए, ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की घोषणा की? आंसर होगा 2026 तक। तो मशहूर डिजाइनिंग कंपनी है ये ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन। तो इसने भी कहा है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो 2027 तक अंतरिक्ष में एक होटल खोला जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा वोएजर क्लास स्पेस स्टेशन। तो ये कब तक? 2027 तक। वैसे 2023 में क्या होने वाला है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया और पूरा हमारा भारतीय रेलवे विद्युतीकृत इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा 2023 तक, और 2030 तक ये रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने लगेगा। अभी अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया। चलो एक प्रश्न एक और पूछता हूँ मैं आपसे, बताइए अभी किस राज्य की सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, आप भी पढ़ चुके होंगे, देखते हैं अभी किस किस को याद है।